YouTube channel. This is Sukreen Kaur and it's great to be here. So today's discussion is all about what you should bring to Canada and what you should not, because बहुत बार ऐसा होता है कि लोग फालतू चीज़ें ले आते हैं और यहाँ पे आकर को लगता है कि शिट, ये तो मतलब कुछ वर्थ इट ही नहीं था एंड इट्स यूजलेस. मतलब आपके पास वैसे भी बहुत लिमिटेड स्पेस होती है, सो यू हैव टू चूज़ इट वेरी वाइजली, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. मैं सब कुछ ऑर्डर में बताऊँगी. लाइक आई विल स्टार्ट फ्रॉम द क्लोदिंग एरिया फर्स्ट. क्लोदिंग, टॉयलेट्रीज, किचन, मेकअप और ग्रूमिंग आइटम्स, बोथ फॉर मेन एंड वुमेन, एंड योर फूड वेयर. I think that covers everything. So let's start with clothes. So मैं इंडायरेक्ट रूट से आई थी तो मेरे पास लिमिटेड बैगेज था. लाइक आई हैड 223 kgs का बड़े बैग्स एंड 7 kg का कैबिन बैग जो था. सो दैट इज़ लाइक हमारे पास जो मेन लगेज होता है वही होता है. ओके, सो लाइक अभी समर चल रहा है यहाँ पे, आई केम इन जुलाई, तो ज़्यादा मतलब इट्स नॉट लाइक इट्स अ प्लेजेंट मौसम. अगर आप नॉर्दर्न इंडिया से आ रहे हो तो इट्स प्लेजेंट फॉर यू, बट इट्स नॉट दैट कूल एंड इट्स नॉट दैट हॉट. सो आई सजेस्ट कि आप यू नो हाफ स्लीव्स के 2-3 टॉप्स और टी शर्ट्स और शर्ट्स फॉर बॉयज एंड टॉप्स, लाइक यूजली लाइक नॉट वेरी फैंसी, इतना कुछ फैंसी मत. मैं शॉर्ट्स भी लेकर आई थी, मैं दो शॉर्ट्स लेकर आई हूँ अपने साथ. सो यू कैन ब्रिंग शॉर्ट्स, केपरीज, कार्गोज इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग द पजामाज. सो समर सॉक्स लाइक ये जो पतली वाली आती हैं, यू कैन गेट दीज, लाइक दीज आर समर सॉक्स. यू कैन गेट लाइक एंकल सॉक्स और जो भी होती हैं, सो यू कैन गेट लाइक 2 or 3 of them. And I think about traditional clothing. So traditional clothing के लिए you can get like 2 pairs of anything for girls, like साड़ी हो गई, लहंगा हो गया, सूट हो गया. सो एनी थिंग विच इज़ लाइक ओनली 2 ऑफ देम, बिकॉज लाइक आई केम हेयर आई रियलाइज कि यहाँ पे देर नॉट सो मच इंडियन, सो इट्स इट विल गेट वेस्टेड विद टाइम. सो डोंट ब्रिंग इट, लाइक इतना मत लेकर आओ. Next for boys, again 2 pairs. So you can get 2 pairs of kurta pajama. Girls can get 1 pair of suit, 1 pair of lehenga, sari, and whatever you think you're good for you, you can get that. So I think traditional ke liye utna kafi hai. Next we come to formal wear. Formal wear is very important. And for boys, I think you can get 2 sets of formal wear, because wo aapke kaam aayega. You will appear for the interviews, you will go for the jobs and everything. It will be very useful. So get formal wears. Girls, you should also get formal wear. मैं कोट लेकर आई हूँ, आई बॉट अ शर्ट. डू नॉट ब्रिंग सो मच विंटर. आई नो बहुत ही घटिया एडवाइस है ये, बट ट्रस्ट मी दिस इज ट्रू, बिकॉज जहाँ से आप आ रहे हो, यू आर कमिंग फ्रॉम इंडिया या फिर यू आर कमिंग फ्रॉम एनी ऑफ द कंट्रीज जहाँ पे इतनी हार्श विंटर्स नहीं होती हैं, यू नॉट गेट द क्लॉथ्स. जो यहाँ के विंटर्स के कपड़े हैं वो आपको यहीं पर आके मिलेंगे. सो डोंट गेट टू मच. आई लाइक फॉर विंटर्स यू कैन गेट 2 पजामाज, लाइक जो मोटे वाले होते हैं गफ, बिकॉज दैट इज गोना बी यूजफुल. एंड यू कैन गेट लाइक फुल स्लीव जैकेट, एंड मतलब वो बस 2-3 कैरी कर लो. एंड हाई नेक स्वेटर्स, बिकॉज हाई नेक इज रियली इम्पॉर्टेंट. लेट्स टॉक अबाउट अंडर गारमेंट्स. सो ब्रिंग 12 सेट्स ऑफ अंडर गारमेंट्स सेपरेट. सो यू शुड ब्रिंग 12 सेट्स ऑफ अंडर गारमेंट्स. मतलब वो आप पे डिपेंड करता है. फॉर गर्ल्स, गेट योर साइकिलिंग शॉर्ट्स, गेट योर काइंड ऑफ अंडर गारमेंट्स विच यू वियर, बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ कोर्स. सो मेक श्योर यू गेट एवरीथिंग, बिकॉज अंडर गारमेंट्स इज समथिंग जो बहुत नेसेसिटी है. एंड सेकेंडली यहाँ पे लॉन्ड्री बहुत टाइम बाद होती है. सो इवन इफ लाइक इट्स गुड फॉर यू टू गेट अ बैकअप एंड बैकअप का भी बैकअप. सो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव दैट. यस, सो क्लोथिंग सेक्शन इज डन, लेट्स मूव टू द बैग सेक्शन. सो आई गॉट 1, 2, 3, 4 बैग्स. आई गॉट 4 बैग्स. एक तो मेरा पीछे जो कैरी बैग होता है, सो आई गॉट दिस कैरी बैग विच इज फ्रॉम स्काई बैग. तो ये मेरा आई गॉट लाइक आई कैरीड दिस विद मी एंड इट वॉज माई लैपटॉप बैग. आई हैव दिस स्लिंग बैग जो मैं अपने साथ हमेशा कैरी करती हूँ, बिकॉज मेरी हैबिट है. बिकॉज मतलब मेरे पास जो चीज़ें होती हैं उसका कभी उसमें पॉकेट से होती है, लाइक पजामाज एंड एवरीथिंग. सो आई कैरी द स्लिंग बैग ऑलवेज विद मी. दिस वॉज ऑल्सो इन माई जर्नी. आई नो दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट मैं अपने साथ लाई थी. सो आई विल रिकमेंड टू गेट अ सेट ऑफ मास्क. आई गॉट दिस मास्क फ्रॉम फैब्रिक पंडित. इट्स इन इंडिया, सो यू कैन गेट दिस अ सेट ऑफ मास्क. अबाउट फीमेल एंड मेल ग्रूमिंग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपको सूट करते हैं. आई फॉरगॉट टू ब्रिंग शैम्पू हेयर, सो इट वॉज़ माई हॉरिबल मिस्टेक. सो आई डोंट नो, बिकॉज मुझे कुछ मेरे को लॉयल
सूट करता था एंड आई टिल डेट मुझे यहाँ पे लॉरियल नहीं मिला सो आई एम स्टिल फाइंडिंग इट सो दैट इज समथिंग मतलब आप अपनी चीज़ें घर से लेकर आओ. आई गॉट माई स्किन केयर द क्रीम्स वीडियोज यू नो बेसिक परफ्यूम्स ऑल फ्रॉम द होम कंट्री. आई वुड नॉट रिकमेंड टू गेट टू मच मेकअप बिकॉज यहाँ पे फायदा नहीं है यू डोंट गेट टाइम आपको मेकअप लगाने का तो टाइम नहीं मिलता. सो आप मतलब बेसिक मेकअप ला सकते हो फॉर गर्ल्स लाइक लिपस्टिक हो गया काजल हो गया लाइनर हो गया बिकॉज यहाँ पे वैक्सिंग इज वेरी एक्सपेंसिव एंड लाइक इट्स लाइक $30 to $40 एंड कम समटाइम्स इट्स $50 डिपेंडिंग अपॉन जब आप एरिया में रह रहे हो एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर ग्रूमिंग. सो आई न्यू दैट एंड आई गॉट दीज वीट वैक्सिंग स्ट्रिप्स फ्रॉम होम कंट्री. आई गॉट 4 boxes of them and it has around 20 waxing strips which is not bad. So you can get these from your whole home country. You can also get a blade and shaver and everything. I also had this grooming kit with me like in my journey and here as well because yahan pe itni dryness hai ki matlab even if you apply a lot of cream it's not enough. Yeah. And I also got this kambal blanket quilt whatever you want to call it and it's like a very good one matlab ye patla hai. So it's good for right now and matlab because also guys like I wear specs so don't get your specs from home country because it's cheap yahan pe bahut expensive hai. So I got 2 pair of my specs done from Lenskart. Lenskart se maine liye the uspe bahut achi scheme thi 1100 I guess 1200 ke mujhe 2 mil rahe the so I got it and maine 4 double lenses ke liye hain. Very important thing when you're traveling abroad is this travel adapter. So maine ye travel adapter liya tha because इट वॉज अराउंड 250 या समथिंग. मैंने ये दो लिए थे बिकॉज एक आपके लिए कभी सफिशेंट नहीं होता कभी आपका लैपटॉप चार्जिंग पे कभी आपका फोन चार्जिंग पे कभी आपकी वॉच चार्जिंग पे है. सो ऑलवेज लाइक गेट टू ऑफ देम. सो ये मैंने इसलिए लिया था बिकॉज इसमें USB भी है एंड इसमें प्लगिंग भी है विच वेरी बिग थिंग कम्स लाइक लैपटॉप. लैपटॉप मैंने यहाँ पर आके लिया था एंड इट्स बेटर आप यहाँ पर आके लो बिकॉज मतलब बिकॉज अगर कुछ लैपटॉप को होता है सो पीपल विल हेयर द कंपनी विल टेक केयर. Also carry 2 or 3 pair of jeans with you. Boys can carry zyada because girls have more options of bottom wear. So you can carry 3 jeans, 2 cargos and something like that. Definitely carry that with you. And for footwear you can I got 3 pair of shoes because shoes yahan pe maximum use hote hain. Aapko walking karni padti hai, aapko idhar udhar jana padta hai. Shoes are the best rather than फैंसी चप्पलें एंड ये सब के काम में नहीं आएंगे गर्ल्स. सो गेट योर शूज. आई गॉट 3 पेयर ऑफ शूज. गाइस इट्स टाइम कि हम किचन की बात करें. हाय गाइस नाउ वी आर इन द किचन. सो किचन इज समथिंग मतलब फूड इज समथिंग विच इज रियली रियली इम्पॉर्टेंट एंड मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो नंबर 1 थिंग ऑलवेज गेट बोना बिकॉज मतलब कभी कुछ गर्म उठाना हो सो दिस विल वर्क. सो यू कैन गेट द पोनास यू कैन गेट इट इजिली फ्रॉम बिग बाजार. मैं बिग बाजार से 3 का सेट लेकर आई. कैन गेट अ स्मॉल कुकर मतलब ये 1-2 बंदों के लिए खाना बनाने के लिए इट्स लाइक मोर देन इनफ. यू कैन गेट अ स्मॉल कुकर एंड अ फ्लैट पैन एंड एक चाय वाला पैन जो होता है. सो यू कैन गेट दैट बिकॉज मतलब वो आपका बेसिक है एंड तवा वगैरह होता है तो वो आपको यूजली लैंडलॉर्ड से देते हैं या फिर समटाइम्स यू गेट इट. नहीं हुआ तो आप फ्लैट पैन भी बना सकते हो. गेट अ फ्लैट कड़छी ये जो फ्लैट वाली होती है फॉर मेकिंग द रोटीज एंड ऑल ऑफ द स्टफ एंड मेक अ गोल कड़छी फॉर मेकिंग द फूड मतलब कुछ सब्जी उठानी हो सो यू कैन यूज दिस राइट. गेट दैट. आई ऑल्सो बॉट दिस बॉक्स. इसमें स्पाइसेस बॉक्स है सो इसमें सारी स्पाइसेस आ जाती हैं. सो दिस इज माई मॉम्स रिकमेंडेशन. She forced me to get this and I trust me, it's very useful. Second thing you can get is this chopper. ये मतलब काफ़ी यूजफुल है तो इसमें आप यहाँ पर सब्जियाँ डाल के यू कैन क्लोज दिस एंड यू कैन चुप 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 चुप. सो ये अच्छे से चॉप कर देता है बिकॉज मुझे पर्सनली बहुत आलस आता है कि मैं प्याज को चॉप करूँ टमाटर को चॉप करूँ. इससे अच्छा चॉपर ले लूँ एंड यू कैन फटाफट क्योंकि तुम्हारे बहुत लाइट भी है. सो थिंग आई गॉट इज दिस प्लेट्स. So this is like 1 plastic plate and 1 kaanch ki plate yeah melamine so that microwave mein kaam aa jaye. And I got 2 bowls again plastic and melamine aur kaanch ka so that again aapka microwave mein useful ho jaye. And I got like set of spoons. Main spoons ke set layi thi. I got these containers ghar se matlab ye main containers layi thi ghar se ye 5 ye 4 hai
सो दीज आर लाइक फोर ऑफ देम, जिसमें मतलब काफ़ी चीज़ें स्टोर हो जाती हैं बिकॉज आप इनिशियली आते हो तो आप चीज़ें अगर खोल भी लोगे तो आप रखोगे कहाँ. सो विच दैट आई सफर्ड. तो ये कंटेनर्स थे, मैं लेकर आई थी टू कप्स, आई गॉट टू कप्स लाइक कॉफ़ी मग्स और चाय. मैं कॉफ़ी पीती नहीं चाय, इट्स फॉर मी इट्स लाइक टी कप्स. सो यू कैन गेट टी कप्स, बट मेरा एक टी कप टूट गया सो आई एम लेफ्ट विद ओनली वन. सो बट यू शुड गेट दिस बिकॉज आप चाय किस पे पियोगे, टोटली अप टू यू. एंड आई गॉट द ग्लासेस एज वेल, जो नॉर्मल पानी के ग्लासेस होते हैं. सो ओनली वन ऑफ आई गॉट राइस का हाफ के जी पैकेट. आई डोंट नो मैं क्यों लेकर आई, बट मैं लेकर आई थी वो, सो आई गॉट इट. मैं घी भी लेकर आई थी घर से मम्मी की वजह से, बट इट्स ऑप्शनल. इफ यू वॉन्ट यू कैन गेट इट, इफ यू डोंट वॉन्ट यू कॉन्ट गेट इट, इट्स टोटली अप टू यू. इनिशियल डेज आई गॉट दिस 3 minute ब्रेकफास्ट फ्रॉम MTR. ये पोहा और उपमा में आता है. उपमा शायद मेरा खत्म हो गया, पोहा वाला बचा है. ट्रस्ट मी, जब कुछ नहीं मिलता तो ये आपका सेवियर होता है, तो ये जरूर लेकर आइए. मैगी वगैरह सब मिलता है यहाँ पे, डोंट गेट टू मच मैगी, पैसा नहीं मिलती नहीं है, मतलब मिलती है. ओनली थिंग विच इज एक्सपेंसिव हियर इज द मसालास. सो आई गॉट दालचीनी, काली मिर्च, समथिंग लाइक दैट फ्रॉम होम. सारा ज्यादा कुछ नहीं ला पाई बिकॉज मेरे पास लगेज लिमिटेड था. सो यू कैन गेट दोज मसालास, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, धनिया पाउडर. दीज आर द थिंग्स विच आर एक्सपेंसिव देयर बिकॉज इंडिया की चीज़ें हैं ये ऑफिस. एंड हल्दीराम के मुझे इतने सारे पैकेट्स यहाँ पे मिल गए, बट आई एम ईटिंग दिस वन अभी. दिस इज भेलपूरी हल्दीराम की, जो मैंने यहीं से ली हुई है. यू कैन ईजिली, हल्दीराम इज माई पर्सनल फेवरेट इन नमकीन, सो डोंट चार्ज, बट यू कैन रेडी गेट हल्दीराम से यहाँ से, ईजी पीजी. या आई थिंक दैट्स ऑल. That's all. Hope you guys enjoyed this video. If you like this video, please like, comment, share, and subscribe. If that's how you know I'm learning, guys, please. And see you soon with a new video. Let me know what I missed. I try to complete it like all and each and everything. Still, if I miss something, do let me know. And I'll try and clear your doubts. Bye, guys. Have a nice day.